हाई एवरी वन वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाई इमरान खान सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरीवेशॉर एच एस सी बोर्ड एग्जाम बेस्ड ऑन फुल सिलेबस फ्रॉम चैप्टर नंबर सिक्स टू चैप्ट नंबर टेन पहला क्वेश्चन क्या गिवन है फाइन द एम्प्लीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेंस ऑफ द टू वेवस गिवन एज वाई वन इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी एंड वाई टू इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तो अगर आप देखोगे पेज नंबर वन थर्टी सिक्स तो वहाँ पर रिजल्ट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला गिवन है तो वो फॉर्मूला आपको डिराइव करना है तो बेसिकली यहाँ पर आपको करना क्या होता है कि दो वेव्स को सुपर इम्पोजिशन कराना होता है और सुपर इम्पोज़ करने के बाद एक रिजल्टेंट वेव बनती है जिसका डिस्प्लेसमेंट होता है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा या ओमेगा टी प्लस फाइव कह सकते हैं और उन्हीं इक्वेशन को यूज़ करके हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला डिराइव करना होता है Then the नेक्स्ट क्वेश्चन is सो so that ओनली odd harmonics are present as overtones in इन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आप देखोगे पेज नंबर वन फोर्टी टू टू वन फोर्टी थ्री वहाँ पर दो पाइप गिवन है वन इज़ क्लोज्ड पाइप एंड द अदर इज ओपन पाइप तो यहाँ पर आपको दोनों पाइप के थ्रू बताना है कि किसमें मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑड हारमोनिक्स में, में प्रजेंट होते हैं और किस में मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑड और इवन हारमोनिक्स में होते हैं तो ये जो बेसिकली क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड टू पाइप क्लोज एट वन एंड तो यहाँ पर आपको बताना है कि फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड जो भी हारमोनिक फॉर्म होंगे वो ऑड मल्टीपल के फॉर्म में फॉर्म होंगे जैसे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला मिलेगा वी अपॉन फोर एल लेकिन सेकेंड फ्रीक्वेंसी यानी सेकेंड हारमोनिक और थर्ड हारमोनिक में आपको आंसर मिलेगा थ्री एन एंड फाइव एन जहाँ से हम ये बता पाते हैं कि ये जो मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो हारमोनिक्स फॉर्म हो रहे हैं वो बेसिकली ऑड मल्टीपल में फॉर्म हो रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री शो दैट इवन एज वेल एज ऑड हारमोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवर टोन्स इन मोड्स ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग के केस में तीन मोड्स डिफाइन करने हैं तो इसका आंसर आपको पेज नंबर वन फोर्टी सिक्स में मिल जाएगा जहाँ पर आप फर्स्ट मोड के थ्रू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव करते हो एन इज इक्वल टू वन अपॉइंट टूएल्व रूट ऑफ टी वाई एम उसी तरीके से सेकेंड मोड में आपको आंसर मिलता है टू एन और थर्ड मोड में आंसर मिलता है थ्री एन तो इस तरीके से हम इक्वेशन वन टू एन थ्री को कंपेयर करके बता सकते हैं कि इसमें ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं न तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ बीट्स एंड रिड्यूस एनालिटिकली द एक्सप्रेशन ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 टू 151 पेज नंबर पर मिल जाएगा जहाँ पर आप बताते हो कि बीट का फॉर्मेशन कैसे होता है तो ये बहुत ही सिंपल है बीट का फॉर्मेशन होता है वैक्सिंग एंड वैनिंग की वजह से जब अल्टरनेटिंग वैक्सिंग एंड वैनिंग होती है तो वहाँ पर बीट का प्रोडक्शन होता है तो उन्हीं इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपको उसका नेट रिज़ल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डिराइव करना है वाई इज़ इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और फिर उसी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है दैट इज एन इज़ इक्वल टू एन वन माइनस एन टू देन द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर सेवन दैट इज बेसिकली वेव ऑप्टिक्स तो पहला क्वेश्चन गिवन है एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ नीट रे डाइग्राम अब अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन हैं विच इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द अदर इज रिलेटेड टू रिफ्क्शन ऑफ लाइट तो आपको दोनों ही प्रिपेयर कर, करना है इसमें से कोई भी आ सकता है तो इसका आंसर आपको पेज नंबर वन में मिल जाएगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेसिकली आप प्रूव करते हो कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप स्नेल्स लॉ को प्रूव करते हो दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फॉर ऑन हॉपर एट अ सिंगल स्लिट विथ अ नीट रे डायग्राम ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर विर्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो ये क्वेश्चन आपको आंसर इसका पेज नंबर 177 सेवेंटी सेवन टू वन में मिल जाएगा थोड़ा सा लेंदी है पार्ट इस क्वेश्चन का तो आएगा तो सीधा फोर मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा यहाँ पर आपको करना क्या है फ्रॉम हॉपर डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है और सेंट्रल विर्थ यानी ब्राइट फ्रिंज की विर्थ का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है विच इज़ इक्वल टू टू लैमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल ए तो ये फॉर्मूला आपको वहाँ पर डिराइव करके बताना है दैन नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर एट दैट इज़ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटर ऑफ अ थ्री प्लेट कैपैसिटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरलर तो चैप्टर नंबर एट यानी इलेक्ट्रो स्टैटिक्स इलेक्ट्रो स्टैटिक्स से मैक्समम चांसेस होते हैं कैपेसिटर पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए यहाँ पर मैंने जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सेलेक्ट किए हैं दैट आर फ्रॉम कैपेसिटर तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू कैपासिटी इन सीरीज एंड कैपेसिटी इन पैरलर तो इसका आंसर आपको पेज नंबर टू हंड्रेड फोर टू टू हंड्रेड फाइव में मिल जाएगा और इस साल के क्वेश्चन में ये पूछा भी गया था रिलेटेड टू कैपैसिटा इन सीरीज तो आपको एक फॉर्मूला डिराइव करना होता है वन अपॉइंट सी एस इज इक्वल टू वन अपॉइंट सी वन प्लस वन अपॉइंट सी टू प्लस वन अपॉइंट सी थ्री उसी तरीके से पैलर का आप फॉर्मूला डिराइव करते हो सी पी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैलर प्लेट कैपेसिटर विदाउट डायलैक्ट्रिक तो यहाँ पर आपको कैपेसिटेंस ऑफ अ पहला प्लेट कैपेसिटी विदाउट डायलेक्ट्रिक मीडियम के इंट्रोड्यूस किए बगैर इसका आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो इसका आंसर आपको पेज नंबर टू हंड्रेड सिक्स में मिल जाएगा जहां पर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करते हो सी इज इक्वल टू ए अपसाइल नॉट बाई स्मॉल डी देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड एक्सप्रेस इट इन डिफरेंट फॉर्म तो यहाँ पर आपको बताना है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर साथ में उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताना है यानी बेसिकली सबसे पहले तो आपको एक फॉमूला डिराइव करना है और इसका आंसर आपको मिलता है यू इज इक्वल टू तो हाफ़ सी वी स्क्वायर जिसे आप यू इज इक्वल टू तो हाफ क्यू वी भी लिख सकते हो या जिसे आप हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी वी लिख सकते हो इन्हीं को डिफरेंट फॉर्म्स कहते हैं तो इसका आंसर आपको पेज नंबर टू हंड्रेड नाइन टू टू हंड्रेड टेन में मिल जाएगा देन द नेक्स्ट चैप्टर इज़ करेंट इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है दैट इज एक्सप्लेन विद अ नीट सर्किट डायग्राम हाउ यू विल डिटरमाइन द अन नॉन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज तो यहाँ पर आपको बताना है रिलेटेड टू मीटर ब्रिज के बारे में और आपको अन नॉन रेजिस्टेंस फॉमूला फाइंड आउट करना है जिसका आपको आंसर मिलता है एक्स इज इक्वल टू एलेक्स अपॉन एल आर इन टू कैपिटल आर तो इसका आंसर आपको पेज नंबर टू एटीन में मिल जाएगा याद रहे मीटर ब्रिज से रिलेटेड ही कैलवेंस मेथड है तो वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर अगर हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करें तो पोटेंशियोमीटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आपको बताना है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ नीट सर्किट डायग्राम हाउ यू विल डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर एंड डिराइव द नेसेसरी फॉर्मूला तो वहाँ पर आप पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड एक फार्मूला डिराइव करते हो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इन द ब्रैकेट एल वन बाई एल टू माइनस वन बेसिकली इसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का फॉर्मूला कहते हैं तो इसका आंसर आपको पेज नंबर टू ट्वेंटी थ्री में मिल जाएगा देन लेटर सी चैप्टर नंबर टेन द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द नेट टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करेंट कैरिंग लूप प्लेसड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ इट्स रोटेशनल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड अब ये भी जो क्वेश्चन है ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है तो डायरेक्टली इट विल बी आस फॉर फो मार्क्स टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आपको बेसिकली बताना होता है कि जब भी हम हाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ कॉइल रोटेट करता है तो उस पर नेट टॉर्क कितना एक्ट होता है जिसका आपको फॉर्मूला मिलता है टी इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा तो इसका आंसर आपको पेज नंबर टू थर्टी सिक्स टू टू थर्टी सेवन में ही मिल जाएगा देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई अ करेंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ द वायर तो हमें इसमें क्या बताना है कि सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर की वजह से सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लॉ आप इस फॉर्मूले को डिराइव करते हो जहाँ पर आपको आंसर मिलता है बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर इन टू थीटा तो इसका आंसर आपको पेज नंबर टू फोर्टी टू में मिल जाएगा इसी की जगह पर अगर वो सर्कुलर लूप दे दे तो आपको यहीं तक आना है और थीटा की जगह पर टू पाई रखना है क्योंकि पूरे सर्कल का एंगल टू पाई होता है तो यहाँ पर आपको एक फॉमूला मिल जाता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री शो दैट द करेंट इन टू लॉन्ग स्टेट पैरल वायर्स एग्जेट फोर्सेज ऑन ईच अदर और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन ईच कंडक्टर तो ये दोनों का आंसर सेम है यहाँ पर आपको बताना है कि अगर हमारे पास दो पैरल वायर्स हैं और दोनों वायर्स में करंट फ्लो हो रहा है तो एक वायर से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो दूसरे वायर के ऊपर फोर्स लगाएंगी और दूसरे वायर से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पहले वायर पर फोर्स लगाएंगी तो इनका फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं उसका आंसर मिलता है हमें न्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों वायर्स इक्वल अमाउंट का फोर्स पर यूनिट लेंथ लगाते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर दैट इज़ यूजिंग एम्पियर्स लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड एन आइडियल कैरिंग अ स्टडी करेंट तो यहाँ पर आपको बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनोइड का फॉर्मूला डिराइव करना है जिसका आंसर आपको मिलता है बी इज इक्वल टू म्यूनॉट एन आई और वहाँ पर स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो इसका आंसर आपको पेज नंबर टू फोर्टी सिक्स टू पेज नंबर टू फोर्टी सेवन में मिल जाएगा सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम दिस चैप्टर्स